मेरी बेटी का हाल हो जांदा कहंदी मैं इत्थे पसीना आया पसीना एक तो ये बड़ा ट्रेंड बन गया बेगम 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 हां सा बेगम रोत नहीं रही ओ खैर है। अब हम करने जा रहे हैं ट्रेन का सफर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूं। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शुक्रिया। और बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ। ये वाली बेल देखें, इसके ऊपर फूल शूल अब निकल आए और कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन एक खतरनाक बात यह है कि इसके ऊपर वो भीड़ जिसको हम डीमू बोलते हैं वो आके बैठ गए, तो जिसकी वजह से इसके करीब जाना काफी मुश्किल है। बस इसको दूर दूर से देख सकते हैं। अच्छी बात है कि दूर दूर से ही देखें, करीब जाएंगे तो फिर इसकी तोड़फोड़ करेंगे। लेकिन खतरे वाली बात यह है कि खुदा ना खासा इसके करीब चले गए भूल चूक के, फिर जो है ना भेड़ वो उठ के ऊपर बैठ जाने और उन्होंने सुझा देना है। ये देखें इस तरह से बेल माशाल्लाह काफी प्यारी लग रही है। आपको पता है कि जामन वगैरह का मौसम चल रहा है, तो जामन हमारे अपने ही है तो वो आजकल अभी पके हुए हैं। तो अभी प्लान है कि जामन तोड़ते हैं और उसकी बनाते हैं स्मूदी। ये ना हो कि जामन का मौसम ही चला जाए और हम स्मूदी से रह जाएं। ये भाई काफ़ी दिनों बाद मेरा यहाँ पे आना हुआ है और देखें जामन तो भाई ख़त्म भी हो गए हैं, बस थोड़े बहुत वहाँ पे खड़े हैं और ये ऐसे कुछ गुच्छे लगे हुए हैं। तो चलें इनके जाते जाते ना एक दफ़ा मैं भी तोड़ लूँ, तो शॉपर वगैरह ले आता हूँ और तोड़ते हैं जामन। तो चलें मैं ये शॉपर लेके आ गया हूँ, ये छोटे वाला शॉपर ही काफ़ी है, तो जामन पर भी चढ़ता हूँ। जगह तो ये ख़तरनाक बन गई है, इधर भाई कोई भी ढाल नहीं है। ये देखें यहाँ से आप नीचे, खुदा ना खास्ता पाँव फिसल गया तो फिर अल्लाह खैर करेगा, टेंशन की बात नहीं है, मैंने ऊपर से पकड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमें जामन वगैरह मिल गए हैं, ये देखें इस तरह के ज़बरदस्त फुल काले हैं भाई, फुल पके हुए हैं। बैलेंस रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये दीवार जो है ना 4 इंच की है, तो इसके ऊपर बॉडी का बैलेंस बना के रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो चले मैं जामन तोड़ लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाते हैं कितने मैंने जामन तोड़े हैं और फिर इसकी स्मूदी बनाते हैं। तो भैया देखें जामन मैंने तोड़ लिए हैं, आधा शॉपर हो गया मेरा, मेरे लिए काफ़ी रहेंगे। और उधर वहाँ पे देखें भाई खजूरें भी पकने लगी हैं, बिल्कुल पीली हो चुकी हैं। किरण इधर झाड़ू लगा रही है, फर्श को चमकाने की कोशिश कर रही है क्योंकि भाई इसकी चमक जो है ना डैमेज हो गई थी। अभी झाड़ू लगाएंगे, बाद में फिर पोछा लगाएंगे। धो तो सकते नहीं क्योंकि भाई यहाँ पे सारा सामान वगैरह पड़ा है, लास्ट दिनों में यहाँ पे धब्बे भी लग गए थे, ये देखें काफी ज्यादा, तो इसको भी गीले कपड़े के साथ रगड़ना पड़ेगा, ये धब्बे उतारने पड़ेंगे। और भाई मैं इधर तुम्हारे लिए जामन तोड़ के ले आया हूँ, मैंने आज सोचा की आज तुम्हें स्मूदी बना के पिलाता हूँ, थकी होगी ये झाड़ू पोछा लगा के, तो मैं उसके बाद स्मूदी पिलाऊंगा बेगम को। माशाल्लाह क्लैपिंग 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 एक दफा झाड़ू के साथ कर दो। तो चले भाई अभी जामन जो है ना धो लेते हैं अच्छी तरह, दाग धब्बे उतर रहे हैं, चमक तो आ रही है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद ना फिर से ऐसे ही मैला नजर आने लग जाता है, पता नहीं क्या मसला है। चलें आज देखते हैं, आज किरण पोछा मार रही है पहली दफा, तो शायद आज चमक आ जाए। तो भैया अभी ये बाल्टी पानी से भरनी है पोछा धोने के लिए, क्योंकि बार बार पोछा मारना होता है क्योंकि मिट्टी जो है पोछे के साथ इकट्ठी हो जाती है, तो फिर बार बार जो है ना पोछा धोना पड़ता है और फिर बार बार इस तरह से टूटी पे आना और पोछा धोना काफी टाइम लग जाएगा इस तरह से। तो बाल्टी में पानी भर के रख लेते हैं, पोछा जो ही गंदा होगा इसमें डबो लिया। हमें भी इस तरह का ना भाई हौज बनवाना पड़ेगा। वैसे मैंने पॉइंट यहाँ पे रखवाया था, वो सामने देखें ये पॉइंट मैंने रखवाया हुआ है यहाँ पे लगाएंगे टूटी और हौज बनाएंगे यहाँ पे। वैसे यहाँ पे हमें टूटी ज़रूर लगानी चाहिए, पाइप लगाने के लिए भी ये काम आ सकता है पॉइंट। बाल्टी हमारी भर गई है, सारा गीला करवा दिया है ना मुझे, कैसे हो गया? गीला हो गया सारा, ये देखो सारे कपड़े गीले हो गए इधर जी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे फर्श के ऊपर डालो ना, ऐसे 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 नहीं करना, सोचा थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर मार लेते हैं तो अच्छे से हमारा फर्श जो है ना साफ हो जाएगा। ये देखे ना ऐसे लग रहा है कि ऊपर लाइनिंग बनी हुई है यहाँ पे मट्टी से। चलो मैं अभी तुम्हारी हेल्प करता हूँ, इधर ले आओ, इसको हम अच्छी तरह साफ नहीं करेंगे तो यही मिट्टी ऊपर जम जाएगी और फिर फर्श गंदा। तो चले भाई जामन हमारे थोड़े खुश्क हो गए हैं और अब इनकी गिरियां और ऊपर वाली छाल जो है ना वो उतार लेते हैं। किचन में तो भाई बहुत ज्यादा गर्मी है तो इसलिए यहीं पे लेके आया हूँ, ऊपर फैन चल रहा है। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साफ साफ और मोटे मोटे जो जामन है ना इनकी गिरियां उतार लेते हैं।
इस तरह से मैंने छीन लिए हैं, मतलब इनकी गिरियां और छाल जो है इधर मैंने प्लेट में डाल ली हैं। इधर जग भी मैंने ले लिया थोड़ा सा पानी, तो अब ये वाली गिरियां जो हैं इस जग में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से काफ़ी मोटी मोटी गिरियां हैं जामुन की। ये देखें कलर इनका कितना प्यारा यहाँ पर निकला हुआ। और इधर रखी हमारे पास चीनी हसबे ज़रूरत हसबे जायका, क्योंकि मैं ये जब भर के बनाने वाला हूँ तो फिर थोड़ी सी चीनी मैंने ज़्यादा डाली है। और इधर हमारे पास काला नमक, लेकिन ये बतनी रेड क्यों है आई डोंट नो, लेकिन काला नमक ही बोला जाता है इसको। तो भाई अभी इसमें ये बर्फ़ डाल लेते हैं। इधर मैंने निकाल के रख ली है बर्फ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई ये देखें माशाल्लाह से हमारी स्मूदी तैयार हो चुकी है। इधर मैं आपको दिखाऊं इस तरह की ठंडी ठंडी कूल कूल मीठी मीठी और काला नमक डाल के, तो क्या ही बात है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गिलासों में डाल लेते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है माशाल्लाह। लो भाई थक गई होगी काफ़ी ज़्यादा, तो स्मूदी पियो। बिजली भी बंद हो गई है, अंधेरे में बैठ के पियो। तो पर्दे खोल लेते हैं भाई। अभी अभी हमारा प्लान बना है कि आज हम जाएंगे घूमने फिरने के लिए। इधर पीछे आपको नजर आ रहे होंगे हमारी बहन भी साथ है, अम्मा जी भी, और इधर किरण भी साथ है, वो मेरी वाली सीट के पीछे बैठी। अभी हम आए हुए थे इधर सिस्टर के घर, तो यहीं से हमारा प्लान बना है कि हम आज जाएंगे पार्क में घूमने के लिए। थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, स्पेशली लेके जा रही है हमें। हाँ जी, छोटे जे पार्क है जा रहे हैं। चलें भाई अभी चलते हैं, जो भी रूटीन हुई वहाँ आपके साथ शेयर करेंगे। झूले शूले लगे हुए हैं ना वहाँ पे? झूले शूले हैं, मेरी बेगम उलाज भी झूले दिमाग में। कौन से झूले पसंद है? सारे ही पसंद है। छोटे बच्चों वाले हैं झूले, तो भाई अभी पार्क पहुंच चुके हैं। आज हमारे साथ भाई पूरी फैमिली है माशाल्लाह। सहार मुबशर जो है इस दफा नहीं आए हमारे साथ, तो अभी भाई यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं। माहौल बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, सूरज जो है ढल गया है और इस टाइम काफ़ी मज़ेदार सा माहौल बना हुआ है। इसी टाइम आवाम जो है ना बाहर निकलती है, दिन के वक्त तो निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। माशाल्लाह भाई एंट्रेंस तो बड़ी प्यारी है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? ये है अभी हमारे सिटी का पार्क, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। और वहाँ पे झूले वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। और इधर भाई हमारे साथ अली भी आया हुआ है। अली अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है ठीक है, वो कहते हैं मेरा हाथ पकड़ लो, सारा दे दो मुझे, आ जाओ आ जाओ। फोटो शूट होने लगा भाई, अभी फोटो शूट करना है हमने। पार्क बड़े मुश्किल से नसीब हुआ है हमें, ठंडे थोड़ा सा ना, मतलब मौसम नॉर्मल हुआ है। मेरी बेगम का भी फोटो शूट करना है यार, अच्छे वाला। एक तो ये बड़ा ट्रेंड बन गया, बेगम 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 हाजा बेगम। तो वो भाई अली जो है ना वसीम के साथ आ रहा है। ओए पागल है, इस तरह से कंट्रोल। झूलों के पास हम पहुंच चुके हैं। इधर ये है कश्ती है, मतलब बेड़ा बोलते हैं इसको, वहाँ पे वो ट्रेन है। और इधर ये वो फिसलन वाली बनी हुई है जगह। तो किस जगह पे झूले लेने हैं भाई? इसमें सबसे बेस्ट है, ले जाओ कश्ती पे, कश्ती पे आपने भी आना है? नहीं नहीं, इधर किरण कश्ती पे पहले कभी झूले लिए हैं? नहीं। ट्राई करना, चले आ जाएं फिर, आ जाओ। मैं पकड़ के बैठूंगा, टेंशन नहीं लेना। तो चलें भाई अभी प्लान बन गया कि हम कश्ती पे झूले लेने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम है, पहले कभी भी नहीं। तो अभी भाई कश्ती में आ चुके हैं, ख्याल से भाई ख्याल से यहाँ गैप है तो पौं संभाल के। मिस मसद अब ख्याल से भाई ख्याल से आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे, दरमियान में बैठ जाओ, ज्यादा साइडों पे ना बैठो। हैं कुर्बानियाँ दे रही है, कुर्बानियाँ। तो चलें भाई आहिस्ता आहिस्ता करके ना, सभी लोग कश्ती में सवार हो चुके हैं, अब देखते हैं बनता क्या है। तो भाई उधर अम्मा जी खड़ी हैं और साथ में अली। अली नहीं आया, रोला मचा दिया उसने, अली ने रोला डाल दिया, इसलिए अली को नहीं लेके आया। कश्ती वाले ने कह दिया भाई बैठ जाएं बैठ जाएं।
भाई सब बहुत एक्साइटेड है। आप भी पहली दफा बैठे हैं? इधर इधर आके बैठना, इधर इधर। भाई कह रहा मैंने फुल स्पीड से चलानी है, इधर वहाँ पे जाके बैठ। सब लोग जो है ना खौफ ज्यादा भी हैं, एक्साइटेड भी हैं। चलेगा तो क्या होता है, सबके साथ देखते हैं। ओए लड़ो नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये लड़ने की जगह, आराम से बैठो। कश्ती उन्होंने चला दी है, वीडियो ना एंड तक आप देखिएगा, इंशाल्लाह मजा आएगा। ओए वसीम भाई, हैवी वाले झूले नहीं दे रहे हैं, नॉर्मली दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ सारी फैमिली होते हैं, बच्चे होते हैं। इस वजह से जो अक्सर मेलों पे आते हैं ना भाई, वो सही झूले देते हैं, फुल हाइट पे लेके जाते हैं। रो तो नहीं रही, खैर है, पकड़ लिया मैंने आपको, पकड़ लिया, खैर है। भाई सर सिस्टर के हाल जो है बुरी हो गई है। खैर होवे, पकड़ के बैठा हूँ, पकड़ के, पकड़ के, पकड़ के। हालत देखे, हालत हैरान परेशान, आंखें खुली की खुली रह गई। एक बार और ले लेते हैं। हाँ जी, अपनी बेटी का हाल देख लें। तो चलें भाई, अभी हमारा कश्ती का सफर तो हो गया, लेकिन अब हम करने जा रहे हैं ट्रेन का सफर। आ जाएं भाई, अब आपको ट्रेन का सफर करवाते हैं। चले आ जाएं कराची। जहाँ आपने कहाँ जाना, यहाँ हर हर शहर जाने वाला अलग अलग छकड़ा है। अभी वसीम ने रोला डाला हुआ कि सिंगल सिंगल ही रह जाते हैं। आगे ना ना मेरा काका, ना रोना नहीं। ट्रेन में सवार हो चुके हैं और इंजन चल गया है, सामने ड्राइवर आ गया और चल भी पड़ी है। अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं, गाड़ी रुक गई है और इधर गेट खुल गया है। पिशावर को लपड़े आना, एक बार पटड़ी दुला मेनू पाई। झूले हम सब ने ले लिए, बहुत मजा आया, फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया है। भाई गोलगप्पे मंगवा लिए हमने। अच्छा गोलगप्पे तो मोड़ ये ले। हां जी, बोर्ड बोर्ड के ही खावने। आगे आ जाओ, यहां पे पीछे ना बैठो। अभी भाई शाम हो चुकी है, अंधेरा छाने लगा है और भाई पसीना हमें बहुत ज्यादा आ रहा है, हवा रुक गई है, सबने ना जोर जोर से चीखें मारी हैं, तो इसलिए ना सबकी बॉडी गर्म हो गई है, तो इसलिए पसीना आ रहा है। इधर अली जो है गुब्बारा लेके फिरता है, लाइट वाला। तो अभी भाई घर वापस पहुंच चुके हैं और ये सारी चीजें जो है ना मुबशर सहार भाई मुनव्वर और उनकी बेगम के लिए खाना फ्रूट्स सारी चीजें लेके आए हैं। वो तो हमारे साथ आए नहीं थे, ये भाग रहे हैं आपके आड़ू। और अम्मा का गुब्बारा भी गुब्बारे के पीछे पड़ा हुआ। तो भाई अभी टाइम 9 बजने लगे हैं, काफी देर हो गई है घर पहुंचते पहुंचते। अभी लाइट भी ऑफ है, घर अंधेरे में डूबा हुआ है। यूपीएस लगवाना था बट अभी नहीं लगवा सका, इसका भी कुछ करते हैं। सोलर तो भाई लगा हुआ है, लेकिन अब ज़्यादा घर चलाना सोलर पे, मतलब दो पोर्शन ऑलरेडी सोलर पे चल रहे हैं, अब तीसरा भी साथ में ऐड करेंगे, या तो फिर हमें सोलर प्लेट्स जो हैं वो बढ़ाना पड़ेंगी, या फिर मैं अलग अपना यूपीएस ले लूँ, एक काम करना पड़ेगा।